हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर स्टडिंग डिसीजन ट्रीज और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक डिसीजन ट्रीज काम कैसे करते हैं, एंट्रोपी और जिनी का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन गेन कैसे काम करता है, न्यूमेरिकल फीचर्स के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हो एंड बहुत सारी चीज़ें और। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिसीजन ट्री का साइकिट लर्न में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जितने भी हाइपर पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो डिसीजन ट्री के बारे में एक बात शायद आपको ऑलरेडी पता हो चुकी होगी कि डिसीजन ट्री इज वन एल्गोरिदम विच इज अ ग्रेट एल्गोरिदम फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इट हैज अ टेंडेंसी टू ओवरफिट। मतलब ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है बट बाहर वाले डेटा के ऊपर, नए डेटा के ऊपर थोड़े से इनकरेक्ट रिजल्ट्स देता है, जिसको हम ओवरफिटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आप उस ओवरफिटिंग को अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। हाइपर पैरामीटर्स मतलब ट्यूनिंग नॉब्स, जिनको आप ट्यून करके अपने एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि डिसीजन ट्री में आपको कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स मिलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेब एप्लीकेशन को यूज करके उन हाइपर पैरामीटर्स का वैल्यू को चेंज कर करके देखेंगे कि डिसीजन ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड अलॉन्ग द वे विल लर्न कि हाउ टू ट्यून देम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू रिमेम्बर, जब हम डिसीजन ट्रीज के थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, वी लर्न कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर होता है डेप्थ ऑफ द ट्री। ओके, लाइक यहां पे यू कैन सी वी हैव अ ट्री जिसका डेप्थ इज 3। नाउ दिस डेप्थ ऑफ ट्री, या इसको मैक्स डेप्थ भी बोलते हैं, ये हाइपर पैरामीटर इज द मेन थिंग जिसकी वजह से ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग होता है। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज हम एक एक करके इन दोनों केसेस को देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरफिटिंग। सो व्हाट इज ओवरफिटिंग? सो जनरली स्पीकिंग, अगर तुमने एक मॉडल को ट्रेन किया और वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छा एक्यूरेसी और रिजल्ट दे रहा है बट टेस्ट के ऊपर खराब परफॉर्म कर रहा है, इट्स अ सिंपल केस ऑफ ओवरफिटिंग। राइट, रट लिया तुम्हारा मॉडल डेटा को और जब भी नया क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास इनिशियली डेटा सेट में 200 रोज थे। हमने एक पर्टिकुलर कॉलम के स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको दो डेटा सेट्स में डिवाइड किया, D1 एंड D2। एंड यू कैन सी D1 में 140 डेटा रोज है और 60 D2 में है। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम 60 जो सेकंड D2 है हमारा, ये एक लीफ नोड बन गया, तो हम उसके ऊपर और स्प्लिटिंग नहीं कर रहे बट हम 140 वाले के ऊपर स्प्लिटिंग कर रहे हैं। नाउ वी हैव गॉट 140। लेट्स अगेन अज्यूम कि 40 वाला इज अगेन अ लीफ नोड। ऐसा करते करते लेट्स से हम एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पे हमको फाइनली एक लीफ नोड मिला और वो लीफ नोड में अब सिर्फ 2 रोज है। राइट, विच मींस कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, अगर आप इस पर्टिकुलर नोड पे पहुंच रहे हो, तो आपका पूरा डिसीजन मेकिंग सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। राइट, लेट्स अज्यूम कि ये दोनों पॉइंट्स नो है। राइट, मतलब लीफ नोड है ये और दोनों पॉइंट्स नो है। अब इसका मतलब कोई भी नया पॉइंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करके इसमें घुसा, उस ये सेटिस्फाई करके इसमें घुसा और ऐसे करते करते इवेंचुअली इस पे पहुंचा, इट मींस आप उसको लेबल करोगे एज नो बिकॉज आपके पास डेटा ही वही है। बट व्हाट इफ ये दो जो पॉइंट्स हैं अपने, ये नॉइजी निकले या ये आउटलायर्स हो या फिर ये एरेनस डेटा हो। राइट, इसका मतलब जो तुमने इतना मेहनत किया, इतना सारा इफ एल्स का लॉजिक बनाया, वो इवेंचुअली जाकर के ऐसे 2 पॉइंट्स पे रिलाई कर रहा है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते थे। सो आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल करेगा जब आप उसको नया डेटा दोगे। ये सिस्टम सही काम करेगा अगर तुम ट्रेनिंग डेटा पे काम कर रहे हो, बट वेन एवर यू विल प्रोवाइड न्यू डेटा, टेस्ट डेटा, दिस विल नॉट परफॉर्म वेल। ओके, सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ ओवरफिटिंग। ओके, और जब तुम डिसीजन ट्री एल्गोरिदम यूज करते हो और अगर तुमने मैक्स डेप्थ पैरामीटर को बाय डिफॉल्ट या फिर खुद से नन भेज के रखा है, तो आपका एल्गोरिदम तब तक काम करेगा जब तक वो हर लीफ नोड एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेता। और उस पर्टिकुलर केस में देयर इज अ ह्यूज चांस कि इस तरह का ओवरफिटिंग हो। ओके, इनफैक्ट लेट मी शो यू दिस एंटायर थिंग इन अ ज्योमेट्रिकल सिनेरियो, या मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देता हूं। सो सेम थिंग। ओके, सो यू कैन सी हमारे पास 2 एक्सिस पे हमने अपने डेटा को प्लॉट कर लिया है। राइट, अब डिसीजन ट्रीज बेसिकली करते क्या है, हमने डिस्कशन कर लिया था ज्योमेट्रिक इंट्यूशन के टाइम पे, कि दे बेसिकली स्प्लिट योर डेटा बाय ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस टू द एक्सिस, या इनको हाइपर प्लेन्स भी बोलते हैं हायर डायमेंशंस में। राइट, तो लेट्स से हमारे डेटा में हमने ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस के बेसिस पे हमने ये स्प्लिट मारा। लेट्स से हमने एक और स्प्लिट मारा
फिर से एक्स एक्सिस के बेसिस पे, राइट। फिर हमने एक और स्प्लिट मारा ऑन द बेसिस ऑफ वाई एक्सिस, राइट। सिमिलरली हम ऐसा करते जा रहे हैं और यू कैन सी हम जब तक हमको रोका नहीं जा रहा, हमें लास्ट तक जाना है, तो हम स्प्लिट मारते जा रहे हैं, राइट, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस। नाउ फोकस ऑन दिस एरो एंड यू विल सी कि ये ग्रीन पॉइंट, ऑल दो उसके आसपास के सारे पॉइंट्स रेड हैं, बट बिकॉज हमने इतना स्प्लिटिंग किया, हम इतना इफेल्स लगाए कि इवेंचुअली हमने अपने पूरे डेटा को काट करके ये बना दिया, लाइक दिस इज द डेटा नाउ। ओके, नाउ इमेजिन कल को कोई एक नया क्वेरी पॉइंट इस रीजन में आके गिरता है, तो ऑब्वियसली सिंस बिकॉज ऑफ दिस बॉक्स हमने इस पूरे रीजन को लेबल करके रखा एज येस ग्रीन, राइट। तो नया क्वेरी पॉइंट विल ऑल्सो बी लेबल्ड एज ग्रीन, बट यू कैन टोटली सी कि होना क्या चाहिए था, ये रेड, राइट। इट्स लाइक अगर आपने KNN वाला एल्गोरिथम देखा होगा, तो वहां पर इफ k इज इक्वल टू 1, अगर नियरेस्ट नेबर एक ही कंसिडर कर रहे हो, तो ये सेम प्रॉब्लम आता था वहां पे भी, ठीक है। तो आई होप थोड़ा समझ में आ रहा है कि ओवरफिटिंग होता कैसे डिसीजन ट्रीज में। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू हाउ ओवरफिट, नाउ लेट मी शो यू हाउ अंडरफिटिंग इज टेकिंग प्लेस इन आवर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। सो लेट्स से अब हमने मैक्स डेप्थ वाले पैरामीटर को वैल्यू पास कर दिया 1, विच बेसिकली मीन्स कि हम सिर्फ एक स्प्लिट मारेंगे, राइट। सो लेट मी शो यू क्या सिनेरियो है। हमारे पास फिर से 200 पॉइंट्स हैं और हमारे पास 100 येस वाले पॉइंट्स और 100 नो वाले पॉइंट्स हैं। लेट्स से मैंने एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर स्प्लिट मारा और दो डेटा सेट्स फॉर्म हुए। सो दिस इज द फर्स्ट वन, 140 इसमें है, 80 येस 16 नो, और 60 सेकेंड वाले में है 20 येस 40 नो, राइट। अब हम इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं मार रहे, हम लीफ नोट्स क्रिएट ही नहीं कर रहे, बिकॉज मैंने एक्सप्लिसिटली अपने एल्गोरिदम को बोल दिया है कि मुझे सिर्फ मैक्स डेप्थ 1 ही चाहिए, राइट। नाउ इमेजिन एक नया क्वेरी पॉइंट आ रहा है और वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नहीं घुस रहा, इसमें घुस रहा है। अब कैसे डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि आप सीधे सीधे देख रहे हो कि यहां पे येस का नंबर नो के नंबर से ज्यादा है, सो यू विल ऑटोमेटिकली असाइन एक्स क्यू अ येस वाला लेबल, राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अंडरफिटिंग, मतलब तुम ज्यादा गए ही नहीं, तुम ज्यादा समझे ही नहीं डेटा को, और तुमने बस ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि नहीं नहीं हो जाएगा, समझ लेंगे, देख लेंगे। इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन ऐसा रहेगा कि फिर से सेम सिनेरियो है, तुमने अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया और बस एक स्प्लिट मार दिया, राइट, और कॉन्फिडेंटली बस बोल दिया कि ये देखो इस तरफ वाले सारे पॉइंट्स नो है और राइट हैंड वाले सारे पॉइंट्स तुम्हारे येस हैं। नाउ दिस इज अ केस ऑफ अंडरफिटिंग। ओके, सो नाउ यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि तुमको ना अंडरफिटिंग करना है ना तुमको ओवरफिटिंग करना है, और ये तुम हैंडल कैसे करोगे, बाय ट्यूनिंग द पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ का वैल्यू अगर बहुत कम रख दिया अंडरफिटिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा रख दिया या रखा ही नहीं तो ओवरफिटिंग का चांसेस है। सो आई विल टेल यू कि कैसे तुम ऑप्टिमम पैरामीटर सेट करते हो, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जहां पे तुम सच में देख पाओगे कि अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग हो रहा है। सो दिस इज द कोड, मैंने यहाँ पे बस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया एंड आई होप तुमको KNN वाले लेक्चर से मैश ग्रिड से याद है। सो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक मैश ग्रिड फॉर्म किया है और उस मैश ग्रिड के हर पॉइंट को मैंने अपने क्लासीफायर के अंदर भेजा, तो वो या तो येस बोलेगा या तो नो बोलेगा। और बाय द वे हम अभी भी वो सोशल नेटवर्किंग एड्स वाले डेटा सेट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज माई फंक्शन। अब इस फंक्शन को सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, मैक्स डेप्थ। ओके, सो सी अगर मैं यहां पर एनालाइजर फंक्शन में मैक्स डेप्थ का वैल्यू भेजता हूं नन, विच मींस मैं एल्गोरिदम को बोल रहा हूं कि आई एम नॉट सेटिंग एनी वैल्यू फॉर मैक्स डेप्थ, तुमको जितना करना है उतना करो, तुम सारे लीफ नोट्स एक्सट्रैक्ट करो, तो यू विल नोटिस कि वी आर गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस। यू कैन सी कि ये क्लियर कट केस है ओवरफिटिंग का, राइट, मतलब ये ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा काम कर रहा है बट टेस्ट डेटा पे ये डेटा सही से काम नहीं करेगा। सो यू कैन टोटली सी अबाउट दिस ब्लू पॉइंट, लाइक टोटली सराउंडेड बाय येलो पॉइंट्स, येट इट इज क्लासिफाइड एज अ ब्लू पॉइंट। इसका मतलब इस रीजन में अगर कोई पॉइंट आके गिरता है फ्यूचर में, हम उसको ब्लू बोल देंगे, बट वो होना क्या चाहिए था, इट शुड हैव बीन लेबल्ड एज येलो। सिमिलरली दिस रीजन चारों तरफ से येलो है, बट बिकॉज ऑफ दीज थ्री पॉइंट्स हमने ये पूरा का पूरा रीजन को ब्लू बोला। सो सेम फॉर दीज येलो पॉइंट्स, राइट। सो यू कैन टोटली सी कि सिंस हमने कुछ मैक्स डेप्थ प्रोवाइड नहीं किया, एल्गोरिदम एकदम इफ एल्स निकालता चला गया, डेटा को और कट करता चला गया इंटू अ वेरी स्मॉल इंटू मल्टीपल स्मॉलर रीजन्स, और उसकी वजह से ओवरफिटिंग का चांस बहुत हाई है, राइट। नाउ लेट मी शो यू अगर मैं सिर्फ 1 भेजू,
मतलब मेरे को सिर्फ एक स्प्लिट चाहिए तो क्या होगा? सी ये रहा, ये क्लियर कट अंडर फिटिंग का चांस है, केस है, बिकॉज यू कैन टोटली सी देर आर सो मेनी येलो पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड येट दे आर लेबल्ड एज ब्लू पॉइंट्स एंड वाइस वर्सा, राइट? अगर तुम एक स्प्लिट और मारो, लेट्स से टू करके देखो, ये देखो अब स्प्लिटिंग कुछ ऐसा हुआ, अभी भी ऑप्टिमम केस नहीं लग रहा। अगर हम थ्री करें, अभी भी कुछ खास चेंज नहीं आया, लेट्स डू फोर, या दिस सीम्स मच बेटर, मतलब दिस सीम्स लाइक एन ऑप्टिमम वैल्यू, बिकॉज ये तीन चार पॉइंट्स है बट वो बहुत स्पार्स है, तो उसने इसको येलो ही कंसिडर किया है, और बाकी जगह पे जहां पे भी उसको रीजन में ज्यादा लाइक डेंसिटी मिल रहा है पॉइंट्स का, तो वो करेक्टली लेबल कर रहा है। एक और ट्राई करते हैं फाइव, एंड इवन दिस सीम्स गुड, राइट? बस ये वाला कुछ पॉइंट्स में ओवरफिटिंग आने लग गया, तो अगेन हम मैनुअली भी करके देख सकते हैं कि क्या सही है, बट इमेजिन इफ इट्स अ बिग डेटा और ये तो सिर्फ 2D है, मतलब हम इसको आराम से देख पा रहे हैं, व्हाट इफ देयर आर टेंस ऑफ कॉलम्स, तो कैसे करोगे, राइट? सो उसका टेक्निक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ मैक्स डेप्थ, बट फॉर नाउ इट वुड बी ग्रेट अगर तुम ये सेम कोड अपने मशीन पे एक बार चला के देखो, इट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट डिसीजन ट्रीज एंड हाउ दे वर्क। सो गाइज, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन फॉर scikit-learn का डिसीजन ट्री इम्प्लीमेंटेशन, एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया, स्प्लिटर, मैक्स डेप्थ, मिन सैम्पल स्प्लिट, मिनिमम सैम्पल लीव, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। हम सब कुछ नहीं देखने वाले बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आप हर चीज को यूज नहीं करते हो। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो 8-9 पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स, उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है? सो आई हैव क्रिएटेड दिस वेब एप्लीकेशन जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के इसको ओपन करके यू कैन ऑल्सो परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आपके पास एक डेटा सेट है, इट्स अ टॉय डेटा सेट जो मैंने खुद से जनरेट किया है, एंड यू कैन सी इट्स अ नॉन लीनियर डेटा सेट, यू शेप के दो क्लासेस में आपके पास पॉइंट्स हैं, और मुझे इसके ऊपर परफॉर्म करना है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो अब हमारे पास यहां पर आई हैव गॉट ऑल द ऑप्शंस जो मैं ट्यून कर सकता हूं टू चेंज द परफॉर्मेंस और बिहेवियर ऑफ माय डिसीजन ट्री एल्गोरिदम। सो यू कैन सी यहां पर जो चीजें हैं मैंने उनका ही ऑप्शंस यहां पे बना दिया, क्राइटेरिया, स्प्लिटर, मैक्स डेप्थ, मिन सैंपल स्प्लिट, यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट हियर, क्राइटेरिया, स्प्लिटर, मैक्स डेप्थ, मिन सैंपल स्प्लिट, ये सब कुछ मैंने यहां पे बना के रखा है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एक करके इन सबका इंपैक्ट जो एल्गोरिदम पे पड़ता है वो बताऊंगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद क्राइटेरिया। सो यू ऑलरेडी नो आप दो तरीके से डिसीजन ट्री से काम कराते हो, वन इज एंट्रोपी, सेकेंड इज जिनी जिनी इंडेक्स, जिनी इम्प्योरिटी, जो भी आप बोलो उसको, ठीक है? अब दोनों का टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, आई विल शो यू। अगर मैं लेट्स से सब कुछ डिफॉल्ट रखता हूँ, इनफैक्ट सबसे पहले मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ सो दैट सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स लग जाए, और मैं जिनी रख करके अगर अपने मॉडल को ट्रेन करता हूँ, You would see कि this is your output, this is your output, okay? In fact, I'll bring it over here. This is the output. You can see clearly मेरा decision tree overfit कर रहा है, क्योंकि you know you can see these specific regions जो बहुत general नहीं है, data के pattern को capture नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं but बहुत छोटी छोटी, जैसे ये blue region यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, this should be an orange region, but ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पे एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 0.86, बट अगर मैं क्या करूं, अगर जिनी के बदले एंट्रोपी सेलेक्ट करके फिर से इस कोड को रन करूं, यू वुड सी बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हो, एंट्रोपी में बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है, बट एक्यूरेसी अभी भी एक्यूरेसी इनफैक्ट कम हो गया, 0.83% हो गया, 83% हो गया, ठीक है? तो ज्यादा वैरी नहीं करता है, और जनरली स्पीकिंग आपका जिनी ही बेटर रिजल्ट देता है, मैंने जितना डेटा सेट्स पे चेक किया है, जिनी विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। और इस वेब ऐप में आपको एक चीज और मिलेगी, मैं आपको पूरा का पूरा ट्री भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, दिस इज द एंटायर ट्री, सी दिस इज द एंटायर ट्री जो फॉर्म हुआ है, क्योंकि हमने मैक्स डेप्थ स्पेसिफाई नहीं किया, पूरा फुली ग्रोन ट्री बना है ये, तो क्लियरली ओवरफिट करेगा, ठीक है? तो एंट्रोपी और जिनी में जनरली स्पीकिंग यू वुड प्रेफर जिनी, और मे बी कभी कभी एंट्रोपी, इट डिपेंड्स, ठीक है? नेक्स्ट इज स्प्लिटर। सो स्प्लिटर में क्या होता है कि जब आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं तो आपका जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होता है वो आप कैसे डिसाइड करते हो, आप हर
वैल्यू के साथ चेक करते हो, हर वैल्यू के साथ स्प्लिट मार के चेक करते हो कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कहां पर हो रहा है, राइट। बट कभी कभी आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव रैंडम, मतलब आपका स्प्लिटिंग क्राइटेरिया रैंडमली डिसाइड होता है, ये भी एक तरीका है। इससे क्या फायदा होता है कि आपका ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्लिटर में रैंडम से क्या फायदा है, तो यू वुड से कि ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है बिकॉज आप रैंडमली क्राइटेरिया चूज करते हो, तो ट्रेनिंग डेटा पे उतना अच्छा फिट नहीं करता आपका एल्गोरिदम, और बिकॉज ऑफ दैट आपका बाहर वाले डेटा के ऊपर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर आप बेस्ट करोगे तो ओवरफिटिंग का चांस होता है। तो आई विल शो यू, जीनी पकड़ करके मैं आपको दिखाता हूं, बेस्ट करने पे ये आ रहा है एक्यूरेसी 0.86, और अगर मैं रैंडम कर दूं तो द एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी अगेन 86, और थोड़े से चेंजेस होंगे, बस ये देखो थोड़े से चेंजेस हैं, अगेन आप खुद से चला के देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपको ओवरफिटिंग रिड्यूस करना है तो रैंडम चूज कर सकते हो, बट जनरली कोई करता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्स डेप्थ, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। मैक्स डेप्थ अगर बहुत ज्यादा है, जैसे बाय डिफॉल्ट नन रहता है मैक्स डेप्थ, जिसका मतलब है कि आप डिसीजन ट्री को रोक नहीं रहे हो, वो फुली ग्रो करेगा, तो उस केस में ओवरफिटिंग का चांस बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप मैक्स डेप्थ बहुत कम कर दो लाइक 1, इन दैट केस आपका अंडरफिटिंग का चांस बहुत बढ़ जाता है। आई विल शो यू, जैसे अभी यहाँ पे 0 है, तो मैंने कोड ऐसा लिख रखा है कि 0 का मतलब नन होता है, मैं आपको 1 दिखाता हूँ, एंड यू वुड सी जब 1 होगा, बाकी सब कुछ मैं नॉर्मल रख रहा हूँ, जीनी और बेस्ट, और इसको मैंने रन किया। सी दिस इज माई डिसीजन ट्री, ये रहा, बस एक ही स्प्लिट पड़ा, एंड क्लियरली दिस इज अ केस ऑफ अंडरफिटिंग, और आपका एक्यूरेसी फिर भी यहाँ पे थोड़ा ठीक है, बट बहुत सारे डेटा सेट्स में बहुत खराब परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, मान लो 2, तो आपका 2 रहेगा आपका डेप्थ। सो आप इसको रन करो, सी 0.9 के अराउंड पहुंच गया, और ये आपका डिसीजन ट्री जिसका डेप्थ 2 है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी और बढ़ा करके, लेट्स से 5, तो आपके 5 लेवल पे हो रहा है, सी 0.9 का एक्यूरेसी आ रहा है अभी भी, एंड दिस इज योर डिसीजन ट्री, ठीक है, दिस इज योर डिसीजन ट्री, राइट। तो मैक्स डेप्थ के बारे में हमेशा याद रखना, ऑल्दो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत छोटा वैल्यू विल गिव यू अंडरफिटिंग, बहुत बड़ा वैल्यू कैन गिव यू ओवरफिटिंग, सो यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, ठीक है। इसको मैं वापस 0 ही कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाइपर पैरामीटर, दैट इज मिन सैंपल्स स्प्लिट। यहाँ पे क्या होता है कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है एक्चुअली। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 कर रखा है, और अभी मैंने इसको रन किया, तो होता क्या है कि आपके पास शुरू में 375 रोज थे, उस पर जब स्प्लिट पड़ा तो एक तरफ 216 रो आ गए और एक तरफ 159 रो आ गए, ठीक है। तो स्प्लिटिंग होता रहता है, फिर 216 में फिर से स्प्लिट पड़ा तो 20 यहां पे आए, 196 यहां पे आए, एंड में जाकर के सबको जोड़ोगे तो वो उतना ही आएगा जितना शुरू में था, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये मिन सैंपल स्प्लिट वाला जो हमारा पैरामीटर है, इसको यूज करके हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि स्प्लिट तभी होगा जब मिनिमम इतने नंबर ऑफ रोज बचे हो उस नोड के ऊपर। लेट मी शो यू, जैसे लेट से मैंने इसको 100 कर दिया, अब अगर किसी भी नोड पे 100 से कम रोज होंगे तो वहां पे और फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा, वही लीफ नोड बन जाएगा। लेट मी शो यू, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूं, मतलब फुली ग्रोन डिसीजन ट्री बनाना चाहता हूं, बट मैंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि 100 से कम अगर रोज हैं तो यू विल नॉट डू एनी फर्दर स्प्लिटिंग, यू विल स्टॉप राइट देयर, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूं, यू कैन सी बस इतना ही ट्री बना, ठीक है। क्योंकि देखो ये देखो, यहाँ पे 78 था, उसके आगे आप स्प्लिट नहीं मारोगे, 71 था, उसके आगे आप स्प्लिट नहीं मारोगे, 59 था, उसके आगे स्प्लिट नहीं मारोगे, 137 था, स्प्लिट मारोगे क्योंकि 100 से ज्यादा है, और 72 और 65 पे जाके रोक गए। तो दैट इज अगेन वन वे ऑफ प्रूनिंग योर डिसीजन ट्री, काटने, रोकना अपने डिसीजन ट्री को। तो अगेन आपको समझ में आ रहा है, मिन सैंपल स्प्लिट का वैल्यू आप जितना बढ़ाओगे उतना आपका अंडरफिटिंग का चांस है, और जितना घटाओगे उतना आपका ओवरफिटिंग का चांस है, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को बहुत बढ़ा देता हूं, मान लो मैं इसको 300 कर दे रहा हूं, मान लो 301 कर दिया और रन कर दिया मैंने, तो सी बस इतना ही बन रहा है, क्योंकि 375 के बाद यहां पे 216 है, यहां पे 159 है, तो ऑब्वियसली और आगे कट्स नहीं पड़ सकते, तो आपका डिसीजन ट्री वहीं पे खत्म हो गया। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मिन सैंपल स्प्लिट्स का हायर वैल्यू विल गिव यू ओवर अंडरफिटिंग, एंड लोअर वैल्यू विल गिव यू ओवर
ओवरफिटिंग, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ रहा है। मिन सैंपल स्प्लिट समझ में आ गया, इसको मैं वापस वन पे लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट इज मिन सैंपल लीफ। तो यहां पे क्या होता है कि आप लीफ नोड पे जब आते हो तो आप एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि लीफ नोड में अगर इतने नंबर ऑफ रोज नहीं हुए तो आप स्प्लिट करने ही नहीं दोगे। लेट मी शो यू। लेट्स से मैंने इसको 100 कर दिया, हो ही नहीं रहा इससे 100, 101 कर दिया, ठीक है, और रन कर दिया एल्गोरिदम को। कुछ बग है इसमें, लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था। मैंने इसको 100 कर दिया और रन एल्गोरिदम पे क्लिक कर दिया। एंड यू कैन सी अब ये वाले पे और स्प्लिट नहीं पड़ेगा। सी इस पे और इस पे और ज्यादा स्प्लिट नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब आप इसके ऊपर अब कभी भी स्प्लिट मार के नीचे जाओगे तो वो जो लीफ बनेगा उस लीफ में कभी भी 100 आपके रोज नहीं हो सकते। तो आपका मिन सैंपल स्प्लिट और मिन सैंपल्स लीफ काइंड ऑफ एक तरीके से ही काम करते हैं। मिन सैंपल लीफ का भी वैल्यू अगर आप बहुत बढ़ा देते हो तो आपका डिसीजन ट्री अंडरफिट करने लग जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, और अगर आप बहुत घटा देते हो तो ओवरफिट करने लग जाता है, ठीक है। दोनों बहुत सिमिलर है, एक बार आप चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैक्स फीचर्स। सो आप क्या कर सकते हो, आप कभी कभी ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपने डिसीजन ट्री को कितने कॉलम्स देना चाहते हो काम करने के लिए, ठीक है। सो होता क्या है कि डिसीजन ट्री हर स्टेप में बनता है। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे 3 करूं और इसको रन करूं, अगर तो ये डिसीजन ट्री में आप देखो, ये कॉलम 1 के ऊपर यहाँ पे क्राइटेरिया स्प्लिट किया है, यहाँ पे कॉलम 2 पे किया है, यहाँ पे कॉलम 1 पे किया है। तो हर लेवल पे आपके पास दोनों फीचर्स अवेलेबल है, कॉलम 1 भी कॉलम 2 भी। बट अगर आप चाहो तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी भी नोड पे कि एक गिवन नंबर ऑफ फीचर्स ही डिसीजन ट्रीज को मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एक बहुत हाई डायमेंशनल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो और ओवरफिटिंग हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप डिसीजन ट्री को दे रहे हो। तो होगा क्या, जैसे मान लो आपके पास 100 कॉलम्स थे और आपने मैक्स फीचर्स को हाफ कर दिया, मतलब 50 कॉलम्स दे दिए। तो अब यहां पे जब नोड अपना स्प्लिट मारने जाएगा तो वो 100 फीचर्स में जाकर के इंफॉर्मेशन गेन नहीं निकालेगा, वो सिर्फ 50 के ऊपर निकालेगा जो उसके पास है, ठीक है। अब वो 50 डिसाइड कैसे होंगे, रैंडमली, वो रैंडमली डिसाइड होता है, नोबडी कंट्रोल दैट, ठीक है। एंड द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास 2 ही कॉलम्स है, तो या तो मैं 2 रख सकता हूं या तो 1 रख सकता हूं, मिनिमम 1 तो देना ही पड़ेगा। मैं 1 दे करके आपको दिखाता हूं। सो अगर मैं 1 दे करके दिखाऊं तो यू कैन सी 1 के देने पर ये अपना डिसीजन ट्री बना है। और यहां पे आप नोटिस करना कि एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कॉलम 1 के ऊपर हुआ, यहाँ पे भी कॉलम 1 पे हुआ, यहाँ पे कॉलम 2 पे हुआ। नाउ यू माइट से कि आप तो बोल रहे हो कि कॉलम कोई एक ही यूज होगा, हाँ कोई एक ही यूज होगा, बट मतलब रैंडमली डिसाइड हो रहा है ना। इस नोड के पास एक ही कॉलम का ऑप्शन था, बट जब उसने रैंडम सिलेक्शन किया तो कॉलम 2 निकल के आया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप हर नोड स्प्लिट पे एक ही कॉलम दे रहे हो और वो एक कॉलम रैंडमली डिसाइड हो रहा है, तो इट कुड बी कॉलम 1 और कॉलम 2, बट दोनों का ऑप्शन उसके पास नहीं है। जब इस जगह पे स्प्लिट हुआ तो इन्फॉर्मेशन गेन सिर्फ कॉलम 2 के लिए कैलकुलेट हुआ, कॉलम 1 के लिए कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर आपने मैक्स फीचर्स बराबर दे के रखा होता, सारे कॉलम्स यूज करते, तो हर जगह पे हर कॉलम के लिए इन्फॉर्मेशन गेन निकलता और जहां पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन होता उस कॉलम को पकड़ के आप स्प्लिट मारते। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज एक बार ये मेक श्योर आपको ये समझ में आ रहा है। द होल आइडिया इज टू इंट्रोड्यूस सम रैंडमनेस, और रैंडमनेस आने से क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा पे बिहेवियर थोड़ा सा खराब होगा, बिकॉज ऑफ विच ओवरफिटिंग रिड्यूस करता है। दैट इज द होल आइडिया। इनफैक्ट अगर आप बाद में रैंडम फॉरेस्ट पढ़ोगे ना, वहां पे एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। वहां पे आप जब ये पढ़ोगे तो यू वुड रियलाइज कि हाँ, डिसीजन ट्री में भी ये वाला पैरामीटर होता है, ठीक है। ओके, इसको मैं वापस कर रहा हूं। नेक्स्ट इज मैक्स लीफ नोड्स। आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपके डिसीजन ट्री में कितने लीफ्स या लीफ नोड्स बनेंगे। जैसे लेट्स से मैंने बोला कि 2 ही लीफ नोड्स बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो अब अगर मैं इस एल्गोरिदम को रन करूंगा, यू कैन सी बस 2 ही नोड्स बने। अगर मैं यहां पे 4 डाल दूं तो सिर्फ 4 ही नोड्स बनेंगे, सी बस 4 ही बन रहे हैं। अगर मैं 3 डाल दूं या 5 डाल दूं तो 5 ही नोड्स बनेंगे, 5 ही लीफ नोड्स बनेंगे, सी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल कि कितने लीफ नोड्स बनेंगे। अगेन हायर वैल्यू मतलब ओवरफिटिंग, लोअर वैल्यू मतलब अंडरफिटिंग।
ठीक है, यू कैन डू दिस राइट। एंड द लास्ट वन इज मेन इम्प्योरिटी डिक्रीज। सो होता क्या आपको पता है, इन्फॉर्मेशन गेन के ऊपर सब कुछ काम कर रहा है, तो आप जब स्प्लिट मारते हो तो आपको जिनी इम्प्योरिटी को कम करना होता है, या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर एंट्रोपी को कम करना होता है राइट, इन्फॉर्मेशन गेन को बढ़ाना होता है राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक नंबर सेट कर सकते हो कि इतना मिनिमम इम्प्योरिटी अगर घटेगा देन ओनली स्प्लिट पड़ेगा, अदरवाइज स्प्लिट नहीं पड़ेगा। लेट्स से मैंने दे दिया 0.01, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी नोड पे स्प्लिट मारने से मिनिमम 0.01 का फायदा होगा देन ओनली स्प्लिट मारो, अदरवाइज स्प्लिट मारने का कोई फायदा नहीं। तो देखो अगर मैं रन करूं इसको, सी हमें ये मिला। सो आप यहां पे एक्चुअली माइनस करके देख सकते हो, यहां पे जीनीज 0.5, यहां पे जीनीज 0.351 और यहां पे 0.21। सो आप इसके जीनी में से इन दोनों का सम, वेटेड सम अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0.1, क्योंकि अगर 0.1 से ज्यादा नहीं होता तो ये स्प्लिट पड़ता ही नहीं। ठीक है, सो अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, अगर लेट्स से अगर मैं 0.1 कर दूं, सिर्फ एक ही स्प्लिट पड़ा, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्प्लिट पड़ने पे इतना का इम्प्यूरिटी डिक्रीज नहीं हो रहा, तो आपका एल्गोरिदम वहीं पे रोक दे रहा है। तो अगेन आपको समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू अगर आप बहुत हाई कर दोगे तो अंडर फिटिंग होने लग जाएगा, ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर आप इसका वैल्यू बहुत छोटा कर दोगे तो ओवर फिटिंग होने लग जाएगा क्योंकि ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो ये टूल को मैंने ऑनलाइन कर दिया है। ट्रस्ट मी द बेस्ट वे टू लर्न और रादर हैव अ फील अबाउट दीज हाइपर पैरामीटर्स इज टू प्रैक्टिस ऑन दिस टूल। ट्रस्ट मी, मैंने इसीलिए बनाया ये क्योंकि मैं खुद भी सीखना चाहता था, और इसको यूज करने के बाद आई गॉट अ वेरी इंट्यूटिव फील अबाउट दिस एंटायर थिंग। ठीक है, तो डिसीजन ट्री के हाइपर पैरामीटर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डिसीजन ट्री से रैंडम फॉरेस्ट बनता है, डिसीजन ट्री से बैगिंग होता है, डिसीजन ट्री से ग्रेडियंट बूस्टिंग होता है, और इन सभी जगहों पे आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन ट्री के कौन से हाइपर पैरामीटर्स को कैसे ट्यून करने पे क्या रिजल्ट आता है। तो दैट इज व्हाई डिसीजन ट्री के ऊपर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। And guys, if you like the video, if you like the effort I'm trying to put here, please consider subscribing. That would be great. It motivates me. Okay. So yeah, that's it. Thanks for watching. We'll meet in the next video. Bye.